दो साल की सजा और संसद की सदस्यता से निष्कासित होने के बाद आज राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने क्या कहा, आप भी सुने। दिल्ली से अब्दुल सलाम कादरी की रिपोर्ट। मैंने आप सब से काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया, अदानी जी का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं, ये सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त अपने मित्र के साथ, पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। यह सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया, मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी पॉइंट बाय पॉइंट कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं, ये लीजिए रूल की कॉपी, उसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला, बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चैंबर में गया, मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं। स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा, नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालिफाई करके धमका के जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है।